अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेट अप अ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने जो है लिस्ट बतानी है जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसको सेटअप करने के लिए जो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेक्चर नंबर 30, ये इसकी लिस्ट है। नेटवर्क केबल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राउटर्स, इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स, ये इसके 5 जो हैं, ये सेटअप कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेटवर्क केबल्स, अब नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं? नेटवर्क केबल्स आर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क डिवाइस टू अदर नेटवर्क डिवाइसेस और टू कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन्स एक्सेट्रा। यानी कि नेटवर्क केबल्स जो है एक नेटवर्किंग की हार्डवेयर है ये, जो कि इस्तेमाल होती है एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरी नेटवर्क डिवाइस तक। और ये इसलिए भी इस्तेमाल होती है कि एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए और प्रिंटर या उनका स्कैनर जो उसको शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क केबल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि सच एज कॉक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क फिजिकल लेयर, टोपोलॉजी एंड साइज। यानी कि ये नेटवर्क केबल्स जो हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट किस्म की जो नेटवर्क के अंदर केबल्स यूज होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉक्सियल केबल होती है और ऑप्टिकल फाइबर और ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये इस्तेमाल होती हैं नेटवर्क्स के अंदर, फिजिकल लेयर्स के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट टोपोलॉजीज जो हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इनका साइज़ वगैरह को देखते हुए ये चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द डिवाइसेस कैन बी सेपरेटेड बाय अ फ्यू मीटर्स, फॉर एग्जांपल ईथरनेट और नियरली अनलिमिटेड डिस्टेंसेस। यानी कि डिवाइसेस जो हैं ये सेपरेट होती हैं, यानी कि कुछ मीटर्स तक जो हैं ये जाती हैं ये केबल्स वगैरह, ये डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि ईथरनेट है उसके अंदर भी अनलिमिटेड डिस्टेंस होता है, यानी कि जितना मर्ज़ी हम डिस्टेंस जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी दूर तक ये जा सकती हैं। और इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं वायर द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट। जैसे कि इंटरनेट जो है उसके भी हम डिफरेंट कनेक्शन जो हैं वो हम ईज़िली दे सकते हैं और ईज़िली हम कहीं से भी इंटरनेट जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अनलिमिटेड इंटरनेट जो हम डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली, अगर हम एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लें तो हम डिफरेंट जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं और अनलिमिटेड हम यूज़ कर सकते हैं अनलिमिटेड डिस्टेंस में। नेक्स्ट इज़ देयर आर सेवरल टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर नेटवर्क कनेक्शंस। डिफरेंट किस्म की और मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं नेटवर्क कनेक्शंस के लिए। पैच केबल्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इन ऑफिसेज एंड वायरिंग क्लोसेट्स। और पैच केबल्स जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी कि थोड़े से फासले के लिए, जो कि ऑफिसेज में इस्तेमाल होती हैं और वायरिंग क्लोसेट्स में इस्तेमाल होती हैं। इस तरह से है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस यूजिंग ट्विस्टेड पेयर और कॉक्सियल केबल आर यूज विद इन अ बिल्डिंग। अब इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में अगर देखा जाए तो ट्विस्टेड पेयर केबल और कॉक्सियल केबल इस्तेमाल होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग है उसके अंदर ही कॉक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि एक लिमिट में रह के जो ये केबल्स इस्तेमाल होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस और फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग हाई बैंडविड्थ और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस। ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं ये भी एक नेटवर्क केबल की टाइप है, जो कि इस्तेमाल होती है एक बहुत से लंबे डिस्टेंस के लिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है फासला हो, यानी कि इतना ज़्यादा क्लोजली ना हो, एक ही बिल्डिंग के अंदर नहीं, यानी कि हम बिल्डिंग से बाहर भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है उनके लिए ज़रूरत होती है हमें हाई बैंडविड्थ हो, और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस वगैरह के लिए हमें ये ऑप्टिकल फाइबर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है मैनी इंस्टॉलेशंस यूज स्ट्रक्चर्ड केबलिंग प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्टॉलेशन होती है डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, केबलिंग्स को इस्तेमाल करते हुए,
और डिफरेंट किस्म की इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं कि किस तरह से जो है इसको यूज़ किया जाए और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाए कि ये रिलायबल रहे, यानी कि सही रहे वायर्स जो हैं, उन पर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह उसके अंदर ना आए और वो मेंटेन रहे, जिस तरह से वो चल रही हैं वो उस तरह से चलती रहें, इस तरह से उसको कवर्ड किया जाता है, इस तरह से उसकी प्रैक्टिस की जाती है। इन सम होम एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पावर लाइंस, और कुछ घरों में भी और इंडस्ट्रीज़ में यानी कि फैक्ट्रीज़ में भी ये एप्लीकेशन वगैरह बनाई जाती हैं जो पावर लाइंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि किस तरह से पावर आ रही है और किस तरह से उसके अंदर प्रोसेस वगैरह चल रहे हैं। ये नेटवर्क केबल्स, इस तरह की नेटवर्क केबल्स होती हैं जो हमारी डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो हैं वो एक सेटअप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का जो सेटअप है उसके लिए। अ कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वन वाया अ सीरियल पोर्ट, बट इफ़ वी नीड टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क, दिस सीरियल कनेक्शन विल नॉट वर्क। कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट करते हैं हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ, और वो किसके थ्रू करते हैं, हम सीरियल पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को जो है वो एक नेटवर्क देते हैं, एक नेट आपस में इंटरलिंक करें, कनेक्ट करें, ये हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर जो है सीरियल कनेक्शन काम ना करे तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट इज़ द सोल्यूशन इज़ टू यूज़ अ सेंट्रल बॉडी टू विच अदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा कैन बी कनेक्टेड एंड देन दिस बॉडी विल मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक। और इस मसले का हल ये है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा तो हमें सेंट्रल बॉडी जो है यानी कि दूसरे कंप्यूटर जो हैं, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन एक्सेट्रा जो है, इन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए ताकि मैनेज हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाए, नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इतना ज़्यादा मसला ना हो नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है राउटर्स। अब ये राउटर्स भी इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अ राउटर इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस विच एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट अमंग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस डेट आर अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। यानी कि राउटर जो है एक ऐसी टाइप है डिवाइस की जो कि एक्ट करती है सेंट्रल पॉइंट, यानी कि जैसे एक मिड पॉइंट होता है कंप्यूटर के अंदर, और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं उनका एक पार्ट है और ये नेटवर्क का एक पार्ट है। इसके बगैर जो है वो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये मैं बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो किस रूट से जो है, किस तरीके से, किस डायरेक्शन से जो है हमें काम करना चाहिए, किस तरह से हमें वायर्स जो है उनको अटैच करना चाहिए। इट इज़ इक्विप्ड विद होल्स कॉल्ड पोर्ट्स, और इन इसके अंदर राउटर जो है उसके अंदर जो है वो होल्स बने होते हैं, उनको हम कहते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स हमने पढ़ी थी, सीरियल पोर्ट्स, डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं पोर्ट्स की। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ राउटर यूजिंग नेटवर्क केबल्स। कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो एक राउटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जिस जो इस्तेमाल की जाती हैं नेटवर्क केबल्स के थ्रू के लिए। नेटवर्क केबल्स के लिए जो है ये राउटर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट रखने के लिए। नाउअडेज राउटर कम्स इन वायरलेस मोड्स यूजिंग विच कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल केबल। लेकिन आजकल जो है राउटर्स जो हैं वो वायरलेस आ चुके हैं, क्योंकि पहले वायर्स के साथ होते थे, केबल्स होती थी, अब वायरलेस मोड में आ चुके हैं और कंप्यूटर्स जो हैं वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिज़िकल केबल्स इस्तेमाल नहीं होती हैं, यानी कि केबल्स इस्तेमाल नहीं होती, विदाउट केबल्स ही जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं राउटर्स के साथ। नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड्स। नेटवर्क कार्ड इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, विदाउट विच कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्ट ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क कार्ड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम इसको कंप्यूटर जो है इसके साथ हम कनेक्ट नहीं करते तो हमें नेटवर्क जो है वो शो नहीं होता। कोई भी नेटवर्क जो है एक वो भी डिपेंड करता है नेटवर्क कार्ड के ऊपर। अगर नेटवर्क कार्ड नहीं होंगे तो वो नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द नेटवर्क अडाप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसको हम नेटवर्क अडाप्टर भी कहते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, यानी कि NIC।
नेक्स्ट है इसकी टाइप्स एंड NIC की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की ये डिफरेंट टाइप्स हैं टू देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड्स इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स एंड एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स. नेक्स्ट इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स अब क्या होते हैं. मदरबोर्ड हैज़ अ स्लॉट फॉर इंटरनल नेटवर्क कार्ड वेयर इट इज़ टू बी इंसर्टेड. मदरबोर्ड पे जो है वो एक स्लॉट बनी होती है, एक जगह बनी होती है जिसके अंदर हम इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो है उनको इंसर्ट करते हैं, यानी कि हम उसको डालते हैं. इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. इंटरनल नेटवर्क कार्ड्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं जो मदरबोर्ड के ऊपर हमें नज़र आते हैं. इन विच द फर्स्ट टाइप यूजेस पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट PCI कनेक्शन, और दूसरी इसकी टाइप है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA. नेटवर्क केबल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस. नेटवर्क केबल्स जो इनको ज़रूरत होती है इंटरनेट एक्सेस करने की, इनके इंटरनेट जो है वो हमें इस तरह से ही मिलता है, जब नेटवर्क केबल्स लगी होंगी देन ही हमें इंटरनेट जो है हमें प्रोवाइड होगा, अदरवाइज हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं हो सकता, हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स. अब एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स भी इस तरह के होते हैं, मदरबोर्ड्स पे ये हमें शो होते हैं. अब इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं वायरलेस एंड USB बेस्ड. वायरलेस जो है यानी कि विदाउट वायर्स. वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स नीड्स टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड, हाउएवर नो नेटवर्क केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क. वायरलेस में देखा जाए, वायरलेस कार्ड में देखा जाए तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, और ये हम मदरबोर्ड के अंदर जो है हम इसको इंसर्ट करते हैं, हम इसको डालते हैं. और अगर हम नेटवर्क केबल हमारे पास नहीं होगी, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारा नेट जो है वो कनेक्ट कर जाएगा. अगर हमें हमारे पास नेटवर्क केबल नहीं होगी तो भी हमारा नेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क इजीली कनेक्ट हो जाएगा. ये वायरलेस है इसलिए नेट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा. USB जो थी वो यूनिवर्सल सीरियल बस थी, उसके अंदर वो वायरलेस थी, वो वायर्स थी, वायरिंग वाली थी, लेकिन ये वायरलेस है. ये कंप्यूटर नेटवर्क इसके अंदर इस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा नेटवर्क जो है एक दूसरे के साथ, एक कंप्यूटर से डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ जो है हमारा कनेक्ट होता है. नेक्स्ट इज राउटर. राउटर जो है ये उसकी डायग्राम है. ये नेटवर्क कार्ड्स हैं, इस तरह से जो है नेटवर्क कार्ड ये वायर्स वगैरह पोर्ट्स वगैरह जो है अटैच होती हैं. राउटर्स के साथ भी इस तरह से पोर्ट्स अटैच होती हैं, जैसे कि सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, डिफरेंट पोर्ट्स जो हैं इसके साथ अटैच होती हैं. ये नेटवर्क कार्ड्स हैं, इस तरह से मदरबोर्ड पे हमें शो होते हैं. Today my lecture is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.